मैं तो सोचता था कि यार मेरी बीवी सब दुनिया में सबसे सुंदर औरत है, देख रहा हूँ मैं। अब हम आ गए हैं डाडो बीच। बड़ी मुश्किल से ढूंढा है हम लोगों ने यहाँ पे। इसमें यहाँ पे दिक्कत एक ये भी है कि इंग्लिश नहीं आती है लोगों को, काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है, वो हिंदी में बातें करते हैं। गूगल मैप और गूगल ट्रांसलेट यूज कर करके आखिर में हम पहुँच गए डाडो बीच। देखिए यहाँ पे एकदम मस्त नज़ारा। देखिए वॉक वे बना रखा है, साथ साथ बैठने का भी है, बहुत अच्छा है। देखो यहाँ पे बैठने का पार्क बना रखा है, छोटा सा बैठ सकते हैं। अभी यहाँ पे 5 बज गए, अभी हमको निकलना है। अभी यहाँ से बस पकड़ के पहले रेस्टोरेंट, फिर वहाँ पे खाना और फिर ट्रेन पकड़ के घर, क्योंकि हमें 2 घंटे लगेंगे घर पहुँचते पहुँचते भी। यहाँ से ट्रेन में भी 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे। और फिर इसी के साथ इसका इजराइल ट्रिप कम्प्लीट। आज मेरे को इसने पूरा कैमरा मैन बना के रखा था, जैसे कि मैं कैमरा मैन हूँ। पूरा रास्ता मैंने ये लटका के रखा है अपने गले में, ये हाफ के जी का होगा। मेरी गर्दन टूटने वाली है, पता है तुमको? सीरियसली मेरी गर्दन टूटने वाली है। ये है झूठी, हाफ के जी में उनकी गर्दन टूट जाएगी। लेकिन मैं सुबह से 10 किलो का बैग उठा के घूम रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं टूटने वाला। तुम्हारा 2.5 किलो का हाथ है बेटा, ऐसे कैसे टूट जाएगा। थक हार के हम लोग स्टेशन पे पहुँचे फाइनली हमने। लेकिन आज हम लोग उधर डिनर नहीं कर पाए ना। हाँ, डिनर नहीं कर पाए। अच्छा, यहाँ पे यहाँ की प्रॉब्लम ये है ना, यहाँ पे बहुत जल्दी बंद कर देते हैं यार शॉप। 6 बजे बंद कर देते हैं यार। 6 बजे हम लोग पहुँच गए थे और वो लोग क्लोजिंग कर रहे थे, उन्होंने कुछ भी हमें नहीं दिया। हम लोग दौड़ते दौड़ते पहुँचे वहाँ पे, लेकिन पहुँच के देखा तो उन लोगों का क्लोजिंग टाइम था। तो आई थिंक हमारा ट्रेन भी आने वाला है ना। यार यहाँ पे एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी है, मतलब यहाँ पे अगर ट्रेन टाइमिंग लिखा है, आ गई है हमारी ट्रेन। हमारे हर एक जो भी हमारे पास गैजेट है सबका बैटरी अभी डाउन हो चुका है। अभी मैंने अपना फोन चार्जिंग पे लगा दिया है, मोबाइल भी स्विच ऑफ होने वाले हैं।
कैमराज भी स्विच ऑफ हो गए, अभी सोते हैं, चलो बाय 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 बाय।